India. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को. और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, पहले तो मुझे ये बता दीजिए. आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे प्रोजेक्शन एंड व्यूज के करेंगे, है ना. कल हम लोगों ने लाइंस के क्वेश्चन करे थे. बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि सर बी प्रकार में थोड़ा उल्टा है. देखो, मैं पहले साफ बोल चुका हूँ, चाहे आप 10 बुक पढ़ोगे, 10 बुक में वो अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में कभी वैसे नहीं पूछेगा बी वन. आप इवन निम्बी पैटर्न के अलग अलग बुक देखोगे, सब में वो अलग अलग दे रखा है. क्लियर, कि इसलिए ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो बी प्रकार की जो लाइन है आपसे कभी पूछेगा बी वन कौन सी होती है, बी टू कौन सी. पहली बात तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, बी वन कौन सी होती है, बी टू. वैसे मैंने बताया बुक के अकॉर्डिंग बताया, तो उसके परेशान मत होइए. हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा. इवन मैं आपको पेंसिल्स की बात करूं, पेंसिल्स का आप यूज देखोगे, लीडर लाइन कौन सी लाइन से, जो लीडर लाइन होती है ना आपकी, लीडर रेखा है ना, कल आपको बताई थी मैंने कि वो कौन सी रेखा से, कौन सी पेंसिल से बनाई जाती है. तो किसी बुक में फ्रेंड्स वो एच भी मिलेगा, किसी में आपको एच मिलेगा, किसी में टू एच देखेगा. आप देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो, है ना. तो मैंने आपको इसलिए साफ कर दिया था कि लीडर क्या है, टू एच और एच से बनाई जाती है जनरली, है ना. तीसरी बात क्या है फ्रेंड्स, आपको तीसरी बात मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ, तो मैंने कल आपको ए प्रकार की लाइन बताई थी आपको. क्लियर, ए प्रकार की मैंने लाइन आपको बताई थी. ए प्रकार की लाइन कौन सी होती है, आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, है ना. और बी प्रकार की कौन सी होती है, कंटिन्यूस थिन, मैं आपको बता रहा था कंटिन्यूस थिन. और इसी के अंदर मैंने आपको बताया था आपका डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन. तो फ्रेंड्स बार बार मैं बोल रहा था बी प्रकार की कंटिन्यूस थिन है, थिन है, थिन है, लेकिन गलती से मैंने ऑप्शन में कंटिन्यूस थिक कर देता है ना, तो वो मैंने कमेंट पिन कर देता, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ. चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन एंड व्यूज. तो पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लंब कोणीय प्रक्षेप हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल, है ना. अब देखिए इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है, तो वो उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सारे पहले ही फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे. और मैं आपको बताता हूँ एनवायरमेंट की क्लास आपके लिए सैटरडे संडे को करवा दी जाएगी, और सैटरडे और संडे को 9 से 12 सुबह बीएससी के 3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 9 से 12 संडे को 3 ईयर, तो 6 घंटे ये हो जाएंगे आपका. कल वाला दिन मैं आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के क्वेश्चन करा दूंगा, तो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना आपके लिए कर दिया. एनवायरमेंट की क्लास भी आपके लिए लगवा दी जाएगी, तो परेशान मत होइए, है ना. अब चलते हैं, तो फ्रेंड्स पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट एंगल की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट एंगल. और इससे जितने भी बनते हैं सारी चीजें मैं यही लिख दूंगा. एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है ना, एक होता है फ्रेंड्स आपका थर्ड एंगल. देखिए ये होता है फ्रेंड्स आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक क्षैतिज तल, जैसा कि हम लोग स्कूलिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस है ना, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस. जैसे चतुर्थांश होते थे, क्वाड्रेंट होते थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो वही चीज है. देखो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है. क्लियर, अभी प्लेन है तो प्लेन कैसा है, ये देखो कुछ प्लेन ऐसा ही है ना, प्लेन ऐसा ही है. क्लियर, ये प्लेन ऐसा है. क्लियर, इसके बाद में फ्रेंड्स इसके ऊपर लग रहा है आपका वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे क्या है फ्रेंड्स आपका वर्टिकल प्लेन है. क्लियर, फर्स्ट एंगल का मतलब क्या है दोस्त, आपने जो ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु, वो आपने क्या रख रखी है, फर्स्ट एंगल में रख रखी है. जैसे मैं बोलूं ये मार्कर है फ्रेंड्स, है ना, ये मार्कर है, आपने फर्स्ट एंगल में इधर रख दिया, फर्स्ट एंगल में इधर रख दिया, फर्स्ट एंगल मतलब प्रथम चतुर्थांश में रख दिया आपने मार्कर, इधर रख दिया आपका क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने आपका ऑब्जेक्ट बना दिया ऐसे ही, आपका मार्कर कुछ ऐसा लग रहा होगा, है ना, समझ गए, इसको ऐसे अंदर रख दिया. ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका
हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। आपने मार्कर को फ्रेंड्स कैसे रख दिया, मार्कर को फ्रेंड्स कैसे रख दिया बिल्कुल ऐसे रख दिया, सामने से देखोगे आपको ऐसे दिखेगा, मैं थोड़ा सा टिल्ट करके बता रहा हूँ, ये आपने रख दिया ऐसे, क्लियर। ये आपका वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल के बिल्कुल ऐसे रख दिया। अब होता है आपसे पूछता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है। तो फ्रेंड्स आप जब इसको यहां से देखोगे इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर या फिर प्रेक्षक। तो फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, इसका फ्रंट व्यू बनेगा आपका कुछ ऐसा, है ना, क्योंकि भाई यहां से शेड जाएगी, ये आपको बिल्कुल एक टॉर्च डालोगे, तो फ्रेंड्स एक आयत ही तो बनेगा, रेक्टेंगल तो बनेगा आपका, है ना, टॉर्च डालोगे, बताइए नहीं बनेगा क्या? अरे भाई आप यहां से डालोगे टॉर्च डालोगे, एक रेक्टेंगल तो बनेगा, ऊपर से डालोगे। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थोड़ा सा इंक्लाइन रख रखा है मैंने, है ना, ये आपका फ्रेंड्स कौन सा बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। अगर मैं पूछूं टॉप व्यू भी आपका फ्रेंड्स कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्लियर। पहली चीज तो ये है, अगर आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में बनाऊं, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट से लूं मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एक डस्टर आप जानते होंगे मिटाने वाला, तो डस्टर आपने रखा ऐसे, क्लियर, ये डस्टर आपका, तो डस्टर कुछ ऐसे रख रखा है। जब आप इसको यहां से देखोगे फ्रेंड्स, यहां से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, केवल ये वाली चीजें आपको दिखेगी, ये डस्टर ऐसे रख रखा है, ये जो डस्टर मैंने ऐसे रखा है, डस्टर ऐसे रख रखा है। और फ्रेंड्स जब इसको आप ऊपर से देखोगे तब भी आपको ऐसे मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये आपका फ्रेंड्स कौन सा बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। जब यहां से सामने से देखते हैं ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, और जब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको केवल ये पार्ट दिखेगा, केवल और केवल ये वाला पार्ट दिखेगा जब ऊपर से देखोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या बन गया, टॉप व्यू, है ना। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो क्षैतिज तल होता है, इसको घुमाते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका फ्रंट व्यू इधर है, आपका फ्रंट व्यू है इधर है, तो जो ये आपका प्लेन है, जब आपका प्लेन है, जब इसको ऐसे घुमाओगे, ये तो ऐसे कैसे रखा हुआ था, कोई दिक्कत ना, तो आपका टॉप व्यू कहां जाएगा फ्रेंड्स, टॉप व्यू कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, टॉप व्यू कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बात थी थोड़ी फर्स्ट आपकी, फर्स्ट एंगल की, सारी जितनी भी चीजें बनती है सारी चीजें बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि फ्रंट व्यू कहां बनता है, ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, ये होता है आपके रेफरेंस लाइन, जिसको बोलते हैं संदर्भ रेखा एक्स वाई, है ना, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। दूसरी चीज क्या है, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है ना दोस्त, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे जो ये आपका ये बन रही ना, ये आपका फ्रंट व्यू बन रहा है, ये जो लाइंस निकलती है ना, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो फर्स्ट एंगल में क्या पूछता है, और ये आपका ऑब्जर्वर जो हम लोग यहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, प्लेन तल, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर है आपका, और जो वस्तु होती है ऑब्जेक्ट की होती है बीच में होती है। तो दूसरी चीज क्या है, इसमें फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बीच में रहता है, थर्ड एंगल में ऐसा नहीं होगा, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की, थर्ड एंगल की यदि मैं बात करूं, कोई भी आपने चीज रखी, देखो इसको ढंग से समझने के लिए कुछ ऐसा मान लो, ऐसे दिख रहा है ये कोन, जैसे मान लो ये, जैसे आपने कभी वो, ये कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप का गोल है ना, समझ लेना, मतलब ये आपका जो ये वाला सेक्शन है ये छोटा है, ये बड़ा है, है ना, ग्लास होता है ना पानी का ग्लास, वही मान लो एग्जैक्ट, पानी का ग्लास को आपने उल्टा रख रखा है। अब पानी के ग्लास को जब आप ऐसे रखोगे, ये पानी का जो बड़ा वाला है जहां से हम लोग पीते हैं, ये इस साइड रखा है, ये ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा हुआ अंदर की साइड, है ना, अंदर की साइड रख रखा है। अब फ्रेंड देखिए, आपका जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा फ्रेंड्स, इस पे आपका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इसमें, जब आप यहां से देखोगे इसका फ्रंट व्यू बनेगा, तो फ्रेंड्स इसका आपको कैसे दिखेगा बताइए, क्या आपको ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा कुछ, आपको ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा बताइए, कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और फ्रेंड जब आप इसको टॉप से देखोगे, इसको जब आप टॉप से देखोगे फ्रेंड्स, इसको टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा बताइए, इसको टॉप से देखोगे तो, ध्यान से समझो, देखो कंफ्यूज मत होना इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। देखो अगर जैसे मान लो ये ग्लास आपका ऐसे रखा रहता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्लास आपका ऐसे रखा रहता, ये ग्लास आपका ऐसे रखा रहता बिल्कुल वर्टिकल, है ना, ध्यान से समझना, अगर ग्लास आपका ऐसे रखा रहता बिल्कुल ऐसे सीधा, तो इसको टॉप से देखते तो फ्रेंड्स क्या दिखता, एक तो आपको ये बाहर वाला ये दिखता, और एक अंदर वाला दिखता, बताइए ऐसे दिखता, नहीं दिखता, टॉप से दिखता तो
क्लियर। और जब आप इसको यहां से देखोगे, यहां से देखोगे तो आपको कुछ ऐसी साइज आपको दिखेगी। तो थर्ड एंगल में फ्रेंड्स पहली चीज क्या है, जो ये आपका ऑब्जर्वर आता है ये इधर आ जाता है, जो ऑब्जर्वर आता है इधर आ जाता है आपका। और फ्रेंड जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जो प्लेन होता है वो बीच में आता है। थर्ड एंगल में फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेन बीच में आता है आपका। क्लियर, प्लेन बीच में आता है आपका, ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है। फर्स्ट एंगल में क्या था, ऑब्जेक्ट बीच में आता है, इसमें क्या रहा, प्लेन बीच में आ रहा है। समझ गए, क्लियर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या रहा, प्लेन बीच में आ रहा है। तो इसके बीच में, इसके बारे में जो भी लाइन से मैं आपको लिख देता हूं पॉइंट्स बना बना के, क्लियर। तो जितनी भी चीजें है ना, तो इसको आप नोट कर लेना, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेन चीज वो आपको रामवीर सर ने पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा। अभी हम लोग ट्राई करेंगे पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा करें वही ज्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, है ना फ्रेंड्स। पीवी सर के सारे क्वेश्चन मैं भी आपको करवा दूंगा, आराम से बन जाएंगे। तो एक तरफ डाल लीजिए आप फर्स्ट एंगल और एक तरफ डाल लीजिए आप थर्ड एंगल, क्लियर। तो फ्रेंड्स पहली बात क्या है, देखिए ये अभी हम लोगों ने बात करी, ये आपका फर्स्ट एंगल है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर इधर है, इधर इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो इसका जो मान लीजिए ये बन गया आपका फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू कम बन जाएगा, ये ऐसा अभी जो मैंने आपको बात करी। देखिए तो फ्रेंड्स पहली चीज इसमें क्या है, पहला पॉइंट इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर। पहली चीज तो यह है, जो आपका वस्तु होता है फ्रेंड्स किसके बीच में होता है, प्लेन के बीच में और इसके बीच में। जो इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स, सिंबल आपको बताया होगा रामवीर सर ने, तो सिंबल उसको क्या होता है, ये होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप जानना चाहे तो, वरना आप चीजें याद भी रख सकते हैं, है ना। थर्ड एंगल में बात करूं और पहली चीज इसमें क्या है, इसमें फ्रंट, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रंट व्यू है और फ्रेंड्स ये क्या आपका टॉप व्यू। तो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, फ्रंट व्यू आपका ऊपर बनता है और टॉप व्यू क्या बनता है, नीचे बनता है। टॉप व्यू क्या बनता है, नीचे बनता है, है ना। थर्ड एंगल में अगर मैं बात करूं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जैसे मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये सेम ऑब्जेक्ट, ये सेम ऑब्जेक्ट हम लोग जब इधर रखेंगे, क्लियर, जब इधर रखेंगे तो फ्रेंड्स आपका टॉप व्यू क्या बनेगा, टॉप व्यू जब ऊपर से देखोगे तो इधर बनेगा, है ना। और इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू होगा। अब क्या करोगे, जब आप इसको रोटेट करोगे तो टॉप व्यू कहां बन जाएगा, टॉप व्यू ऊपर, टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे, क्लियर। टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। और इस जगह क्या था, फ्रंट व्यू ऊपर था, इस जगह फ्रंट व्यू ऊपर था, टॉप व्यू नीचे था। और इस जगह क्या है, टॉप व्यू ऊपर है, फ्रंट व्यू नीचे। तो तीसरा मेजर डिफरेंस आपका ये हो गया। और इसके सिंबल की यदि हम लोग बात करें तो उसका सिंबल क्या होता है, ये होता है ना। तो फ्रेंड्स सिंबल में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं सिंबल भी आपको समझा दूंगा। बताइए सीधे क्वेश्चंस पे चले या फिर मैं आपको सिंबल्स बताऊं कि सिंबल कैसे होता है, बताइए बताइए सिंबल बताऊं कैसे आया। ये क्वेश्चंस पे चले, बताइए सीधे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। हाँ क्वेश्चंस पे चलते हैं, बाकी आप बोलो लास्ट में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका थर्ड एंगल, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। देखिए इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर, है ना, प्लेन है, इनमें क्या रहता है बताइए, प्लेन। बीच में कौन रहता है, थर्ड में, थर्ड में बीच में क्या रहता है फ्रेंड्स, थर्ड वाले में, थर्ड में जो थर्ड प्रोजेक्शन होता है आपका, बीच में क्या रहता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड इन बिटवीन, ये बीच में रहता है आपको, क्लियर, बीच में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड एंगल प्रोटेक्शन में, प्रोजेक्शन में साइड व्यू, बाई साइड, फ्रंट व्यू के किस तरह बनती है आपको बताना है, है ना। चलो एक बार ये भी मैं बता दूंगा, जो सिंबल आया उसी से आपको बाई साइड भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये चीज, ये दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य क्या होगा, उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, है ना। इफ रेक्टेंगल इज केप्ट पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, तो देखिए इसको देखते हैं सामने, देखिए एक बार बिल्कुल सिंपल, देखिए ये आपका फ्रेंड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका फ्रेंड्स कौन सा, वर्टिकल प्लेन है, ध्यान से देखिए अब, है ना, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
इफ अ रेक्टेंगल इज केप्ट पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, आपने एक रेक्टेंगल लिया फ्रेंड्स, एक आयत लिया, इसको वर्टिकल प्लेन के पैरेलल रख दिया, है ना, बिल्कुल ऐसे रख दिया पैरेलल, जैसे दो पेपर मान लीजिए आप, ये कोई दो, ये आपका वर्टिकल प्लेन था, ये आपका वर्टिकल प्लेन था, और इसी के पैरेलल में फ्रेंड्स आपने कोई क्या रख दिया, आयत रख दिया, रेक्टेंगल रख दिया, है ना। तो फ्रेंड्स इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, जब आप इसको यहां से देखोगे, इसको जब आप यहां से देखोगे, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा फ्रेंड्स, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू भी फ्रेंड्स एक रेक्टेंगल होगा नहीं होगा, बताइए, इसका फ्रंट व्यू भी एक रेक्टेंगल होगा नहीं होगा, फ्रंट व्यू पूछ रहा है ना, बताइए। अगर फ्रेंड्स इसका टॉप व्यू पूछता तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका फ्रेंड्स रेक्टेंगल हो गया जो इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। यदि आपसे इसका टॉप व्यू पूछता फ्रेंड, तो ऊपर से आप लोग देखते हैं, जब ऊपर से देखते हैं तो केवल और केवल एक लाइन दिखती नहीं दिखती, अगर ऊपर से देखते तो एक लाइन दिखती नहीं दिखती, केवल एक रेखा, क्लियर। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या दिखेगा, केवल और केवल एक रेक्टेंगल, क्योंकि फ्रंट व्यू पूछा है, फ्रंट व्यू में फ्रेंड्स आपको क्या दिखेगा, एक आयत दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए कि आपको फ्रेंड्स एक फ्रंट व्यू दे रखा है और साइड व्यू, तो कौन सी शेप का हो सकता है ये, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखते हैं, इधर सामने देखिए, मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, एक क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका एक वर्टिकल प्लेन है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। यदि एक स्फीयर रखे आप लोग, एक स्फीयर रखे, स्फीयर यानी एक फुटबॉल रख दिया आपने, है ना फ्रेंड्स, एक फुटबॉल रख दी, एक इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देना, अभी और बड़ा कर दूंगा, आपने फुटबॉल रख दी फ्रेंड, जब आप इसका सम्मुख दृश्य लेंगे, नहीं फ्रंट व्यू लेंगे, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा फ्रेंड्स, एक सर्किल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये बात करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल रख दिया, कोई स्पेयर रख दिया, तो जब आप यहां से देखोगे तो फ्रेंड्स आपको एक सर्किल दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक केवल इस प्लेन पे क्या दिखेगा, इसकी फ्रेंड्स छाया क्या दिखेगी, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, कोई वर्टिकल प्लेन है, कोई वर्टिकल प्लेन है, इधर आपने एक फुटबॉल रख दिया आपने, तो इस फुटबॉल की जो शेड्स आएगी फ्रेंड्स कैसे रहेगी, एक सर्किल तो दिखेगा आपको, इसको सर्किल तो मिलेगा, ठीक है, और ऊपर से देखेंगे, ऊपर भी तो एक सर्किल दिखेगा, बताइए ऊपर भी तो फ्रेंड्स क्या दिखेगा, सर्किल दिखेगा, है ना। तो चाहे इसका फ्रंट व्यू हो चाहे साइड व्यू हो, दोनों आपको कैसे दिखेंगे, सर्किल दिखेंगे। तो शेप कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स, आपकी शेप कौन सी हो सकती है, बताइए कौन सी हो सकती है, आपकी बी हो सकती है, बताइए बी हो सकती, नहीं हो सकती, बताइए फ्रेंड्स, है ना, बी हो सकती है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमको करना है, बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, टॉप व्यू कहां बनना चाहिए, बताइए फ्रेंड्स, टॉप व्यू कहां बनना चाहिए, बताइए टॉप व्यू कहां बनना चाहिए, बताइए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बात करी, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, है ना। फर्स्ट एंगल में क्या हो रहा था, फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा था, टॉप व्यू नीचे बन रहा था, अरे भाई अभी हम लोगों ने बात करी थी, नहीं बन रही थी, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू आपका ऊपर था और टॉप व्यू क्या था, नीचे था, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, बताइए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, टॉप व्यू ऊपर था उसमें और फ्रंट व्यू नीचे था, टॉप व्यू ऊपर था और फ्रंट व्यू नीचे था। तो फ्रेंड्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहेगा या फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, तो कहीं भी हो सकता है, क्लियर, बिलो और अबाउ द फ्रंट व्यू, ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिलो और अबाउ द फ्रंट व्यू, यानी इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि बेलन का आधार, ये वाला क्वेश्चन, अब आपका फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि कितनी ऊर्ध्वाधर सतह है, कितना वर्टिकल सरफेस है, ये आपको बताना, बताइए कितनी वर्टिकल सरफेस है, ये आपको बतानी है। अब इसमें क्या दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको वर्टिकल सरफेस गिननी है, तो वर्टिकल सतह ऊर्ध्वाधर गिन के देखते हैं। देखिए ये एक तो ये दिख रही है, ठीक है, एक ये दिख रही है, दूसरी मेरे को ये दिख रही है, तीसरी मेरे को ये दिख रही है, और चौथी जस्ट इसके पीछे होगी, चार तो ये हो गई, इसके बाद में फ्रेंड्स पांचवी मेरे को ये दिख रही है, छठी मेरे को ये दिख रही है, सातवीं जस्ट इसके पीछे होगी और आठवीं ये दिख रही है, इसके अलावा मेरे को तो कोई दिख नहीं रही, तो सीधी सीधी आठ सरफेस है फ्रेंड्स, अरे आठ है छह कहां से आ रहा है,
अरे आप अंदाजा कितना लगा सकते हो कितनी वर्टिकल सरफेस है? ये एक हो गई, ये आपकी दो हो गई, ये आपकी तीन हो गई, एक इसके जस्ट पीछे चार हो गई, ये आपकी पांच हो गई, ये छह हो गई, इस एक इसके जस्ट पीछे सात हो गई और एक आपकी आठ हो गई। कितनी हो गई? आठ नहीं हो गई क्या? तो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी आपकी? एट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आइसोमेट्रिक व्यू में, अब आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है भी हम लोग बात करेंगे, तो इतना सा याद रखिए, जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू रहता है सममितीय रहता है। आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रेंड्स आपकी जो एक्चुअल साइज होती है, जिसका भी ऑब्जेक्ट का जो आप बना रहे हो एक्चुअल साइज इन वास्तविक लंबाई, और उसकी जो आइसोमेट्रिक साइज रहती है, यानी जो आपका ड्राइंग बनाते हो ना आइसोमेट्रिक व्यू में, उसमें और उसमें रेशियो क्या रहता है उसके साइज में, तो फ्रेंड्स कितना रहता है बताइए? √2/√3, इसको आप लोग बोल सकते हैं 0.816, तो दोनों याद रखिए 0.816 और √2/√3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको क्या बोलते हैं? है ना, अभी हम लोगों ने बात करी थी, इधर देख लीजिए, सामने देख लीजिए एक बार, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है ना फ्रेंड्स। ये दोनों जिस लाइन पे काटते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई नाम दिया जाता है, रेफरेंस लाइन या संदर्भ लाइन आप लोग बोल सकते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, लेफ्ट वाले क्वेश्चन को, इसको देखिए आराम से, ये आपको शो करने के लिए क्या मैं डायग्राम, कॉनिक सेक्शन में अति परवलय हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन के कैसे रहना चाहिए, है ना, सेक्शन प्लेन के कैसे रहना चाहिए आपको देखना है। अब देखिए इधर सामने देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है? कोन है ना, सॉफ्टी ना, सॉफ्टी को उल्टा रख दीजिए, आपका कोन हो गया ये पूरा, एक कोन हो गया ये आपका फ्रेंड्स क्या हो गया? कोन हो गया, है ना, ये फ्रेंड्स ये हो गया इसका एक्सिस हो गया, ये फ्रेंड्स ये क्या हो गया इसका एक्सिस हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन से आप काट रहे हो, ये आपका अक्ष दे रखा है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है फ्रेंड्स? एक एक्सिस दे रखा है इसका, जिसका एक्सिस हो गया, है ना, ये आपको दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस, ये आपको एक्सिस मिल गया, अक्ष हो गया। अगर मैं बोलूं इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत किसी प्लेन से काटना, तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर क्या मिलेगा? आपको सर्किल मिलेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक सॉफ्टी लीजिए, ऊपर से ब्लेड से बिल्कुल, ये जैसा मान लीजिए आपने एक सॉफ्टी ली, है ना, आपने क्या किया इसको बिल्कुल उल्टी रख दिया और एक ब्लेड से ऐसे काटा, ये इसका एक्सिस था, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लंबवत काट रहे हैं भाई, आपका एक प्लेन से काटोगे ना, ये एक प्लेन, तो ये प्लेन इस एक्सिस से कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री, तो इससे के काट के देखना ऊपर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर्किल, ठीक है, आपको क्या मिलेगा फ्रेंड? सर्किल मिलेगा, हाँ, आपको क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा, तो सर्किल मिल गया। अगर इंक्लाइंड पे आप काटो, जैसे आपकी सॉफ्टी थी, अगर आप ब्लेड से इंक्लाइंड पे काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा, दीर्घवृत्त मिलेगा। क्लियर? सर्किल यानी वृत्त। अगर आपसे बात करें फ्रेंड्स हाइपरबोला करना है आपको, अति परवलय करना है, तो अति परवलय क्या है? जो आपका ये एक्सिस है इसके पैरेलल में काटोगे, यानी सॉफ्टी को आप ऐसे काटोगे, है ना, जब ये आपका एक्सिस है इसके पैरेलल में किसी प्लेन से काटोगे, इसके समानांतर में किसी प्लेन से काटोगे, इसके समानांतर में, तो आपको हाइपरबोला मिलेगा, अति परवलय मिलेगा, है ना, तो तीनों चीजें याद रखिए। तो फ्रेंड्स क्या है? शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स? अति परवलय चाहिए, हाइपरबोला चाहिए, तो इससे काटना पड़ेगा। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, दिख रहा होगा, आई होप तीनों भी बना भी दूंगा मैं, देखिए बताइए। तो फ्रेंड्स इधर ही मैं आपको छोटा सा हेडिंग डलवा के लिख देता हूं, देखिए
और इस क्लास की पीडीएफ आप वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका होता है एक आपका होता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्ष परिमाण। इसी का होता है आइसोमेट्रिक, जो भी हम लोग बात करी थी अभी आइसोमेट्रिक में, जो लेंथ वो ड्राइंग साइज का और एक्चुअल साइज का जो रेशियो रहता है रूट टू बाई थ्री रहता है, रूट टू अपन रूट थ्री यानी 0.816। एक होता है फ्रेंड्स आपका डायमेट्रिक और एक होता है फ्रेंड्स आपका ट्राइमेट्रिक। इसको बोलते हैं समपरिमाण, ये सममिति भी बोलते हैं समपरिमाण। इसका बोलते हैं फ्रेंड्स द्विसम परिमाण। इसको बोलते हैं त्रिसम परिणाम, त्रिसम है ना परिमाण। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आइसोमेट्रिक व्यू आप जानते हैं, अगर मैं आपसे जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ना, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पूछूं आपसे आइसोमेट्रिक जो आपका प्रोजेक्शन रहता है इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनता है, तो पहली बात 30 डिग्री क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तीसरी बात क्या है, इसमें जो एक्सिस के बीच में जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है तीनों ही कोण बन रहे फ्रेंड्स कितने रहते हैं, बराबर रहता है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो आइसोमेट्रिक में फ्रेंड्स क्या रहता है, इसमें तीनों एंगल इक्वल रहते हैं, तीनों एंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी आप बोल सकते हो तीनों कोण समान, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तीनों कोण समान। डायमेट्रिक में फ्रेंड्स क्या रहते हैं, आपके दो एंगल सेम रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है ना, इसमें दो एंगल सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो, इसका मान लीजिए 110 110 हो गया ये 110 110 तो एक कितना हुआ 220, 140 हो जाएगा ये आपका, क्लियर 360 होना चाहिए ना सम। त्रिसम में क्या रहता है, आपके तीनों क्या रहते हैं डिफरेंट रहते हैं, तीनों क्या रहते हैं फ्रेंड्स आपके डिफरेंट रहते हैं। तो तीनों रहते हैं, जैसे मान लो एक अगर 110 है तो एक आप 120 मान लो, तीनों 360 रहना चाहिए तो 200 230, क्लियर। तो तीनों मैंने बता दिए। इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है, दो बनाते हैं तो फ्रेंड्स कौन सा हो गया, डायमेट्रिक हो गया आपका, कौन सा हो गया डायमेट्रिक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने जब ड्राइंग इक्विपमेंट पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था, निम्न में से कौन सी आरएफ घटता पैमाना दिखाता है, या फिर आप बोलते हो लघुकरण पैमाना, या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है आपका, निरूपिक भिन्न, इधर देखिए सामने देखिए एक बार, फैक्टर क्या होता है आपका ड्रॉइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। यानी फ्रेंड्स अगर कोई इंस्ट्रूमेंट छोटा है, जैसे घड़ी के जो पार्ट्स रहते हैं, जो रिस्ट वॉच होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसको आपको इनलार्ज करके बताना होता है, तो एक्चुअल साइज उसकी कम है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल साइज उसकी 10 एमएम ही है, लेकिन आप ड्राइंग में बड़ा करके बता रहे हो 100 mm करके बता दो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना गया 100/10, या फिर आप बोल सकते हो 10:10, है ना 10:1। तो ये क्या फ्रेंड्स इनलार्ज होता है। अगर कोई चीज बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग वगैरह है, उनकी साइज ऑब्वियसली बड़ी है, उनको आप ड्राइंग में छोटी करके बता दोगे तो एक्चुअल साइज तो बड़ी है उसकी, फॉर एग्जांपल 2000 मान लो, 3000 मान लो, कुछ भी किसी भी चीज की, तो उसकी ड्राइंग में साइज छोटी बना तो ये आपका रिड्यूसिंग रहता है ना। और अगर दोनों सेम हो तो 1:1 हो तो फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है फुल स्केल रहता है ना। तो निम्न से कौन सी आरएफ घटना घटता पैमाना रिड्यूसिंग कौन सा बता रहा है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या, ड्राइंग साइज कम है एक्चुअल साइज कम है ज्यादा है सॉरी, है ना। तो फ्रेंड्स 1:1 ये आपका फुल स्केल हो जाएगा, 50:1 ये आपका इनलार्ज हो जाएगा, 8:6 ये भी आपका इनलार्ज हो जाएगा यानी विस्तारक पैमाना हो जाएगा, और 1:20 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा रिड्यूसिंग यानी लघुकरण पैमाना आप बोल सकते हैं इसको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमा जाए तो क्या बनेगा, विच सॉलिड इज फॉर्म्ड इफ वन रेक्टेंगल इज रोटेटेड अराउंड एन आर, बताइए एक आयत को घुमाया जाए तो क्या बनेगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या है, इसको देखिए इधर सामने देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक आयत है, इधर देखिए सामने देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये एक आपका कोई भी पेपर लिया, एक रेक्टेंगल है, है ना रेक्टेंगल है, इसको घुमाओगे इसको घुमाओगे इसको घुमाओगे घुमाओगे तो चारों ओर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स आपका, चारों ओर क्या बन जाएगा बताइए, सिलेंडर बनेगा नहीं बनेगा, अरे ये आपका रेक्टेंगल है, इसको आप ऐसे घुमाओगे इसको घुमाओगे तो चारों ओर से फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, ये आपका घूमेगा
कभी इधर आएगा। फिर ऐसे आएगा है ना, तो घूम घूम के फ्रेंड से क्या बन जाएगा, एक आपका बेलन बने। क्लियर? सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीर्षक ब्लॉक क्या दर्शाया जाता है? व्हाट इज शोन इन द टाइटल ब्लॉक? टाइटल ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है और टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन भी बता दीजिए और कहां बनाया जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताया था ड्राइंग डॉक्यूमेंट में जब पढ़ाया था। तो फ्रेंड जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है कहां शो किया जाता है? बॉटम राइट कॉर्नर, निचले दाहिने कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर। क्लियर? और इसके अगर डायमेंशन की बात करूं, इसकी डायमेंशन क्या होती है? 185 mm × 65 mm है ना, 185 × 65 इसकी डायमेंशन रहती है। और इसमें क्या क्या रहता है फ्रेंड्स? आपका कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी, ये सारा आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको करते हैं छोटा। देखिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, इसका ए आंसर हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका जवाब दीजिए, ए टू ड्राइंग शीट का परिमाण क्या होता है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए टू ड्राइंग शीट बताइए। तो फ्रेंड्स इधर सामने देखिए, आपको पता है मैंने आपको क्या बताया ड्राइंग शीट जब पढ़ाया था कि ए जीरो का साइज क्या रहता है? 841 × 1189 होता ही नहीं रहता है ना। और इसका अगला करना है 81 करना है आपको, तो क्या करना है, ये आपका ऐसा कैसा और इसका आधा कर देंगे है ना। तो ऐसे मैंने आपको चीज बताई थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि A0, A1, A2, A3 जब ऐसा आ जाएगा, तो अगर मैं बात करूं A1 का एरिया कितना होगा, A1 का एरिया कितना होगा, A0 का आधा रहेगा। अगर मैं बात करूं A2 का रेशियो कितना रहेगा, ये रेशियो A1 का आधा रहेगा। अरे बताइए, ऐसी चीज बताई थी, नहीं बताई थी? ड्राइंग इक्विपमेंट खोल के देख लेना, मैं विश्वास नहीं है। तो A3 का रेशियो क्या हो जाएगा? A2/2 हो जाएगा। और मैंने साथ में आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे A0/A3, पता नहीं मैंने एग्जांपल क्या दिया था, A0/A2 दिया था, क्या दिया था, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर इसका रेशियो पूछे तो क्या होगा, शायद A0/A5 कुछ बड़ा ही रेशियो दिया था मैंने उस टाइम। तो मैंने क्या बताया था, A0/A1 लिख सकते हैं × A1/A2 लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि A1 से और A1 कट जाएगा, A1 से A1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, A0/A2। तो फ्रेंड्स A0/A1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। A1/A2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा चीज मैंने आपको बताया था, और यही क्वेश्चन रेलवे के मॉक पेपर में दे रखा है, उन्होंने शायद A0/A3 ऐसा पूछा है। तो बात कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, क्या होगा। क्लियर? बताइए तो A2 ड्राइंग शीट का परिमाण क्या होगा, बताइए A2 ड्राइंग शीट का परिमाण क्या रहेगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आप आधा करोगे तो 594 आ जाएगा, 594 इसका ऐसा कैसा, तो लास्ट में आप सीधा सीधा 594 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 420 × 594। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 594 जब इधर आएगा, मतलब ऐसा कौन सा ड्राइंग साइज है जिससे लास्ट में 594 है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, है ना। और इसका आधा 841 का आधा करेंगे तो 420.5 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 420 लिख देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, और इसके बारे में और क्या हम लोगों ने बात करी थी कि अगर A0 का आपसे एरिया पूछे तो इसका एरिया क्या रहता है, 1 मीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो पूछे, लेंथ का और विड्थ का रेशियो पूछे तो 1:√2। फिर आप लोगों ने बात करी थी कि लेंथ का 2/√1 होता है, मैंने बोला पहली बात तो ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, दूसरी चीज क्या है, आपकी लेंथ और विड्थ का निम्मी में आपको 1:2 दे रखा है, आप √2:1 आपका ऑप्शन में केवल एक आएगा, 1:√2 या √2:1 दोनों में से एक ही आएगा, है ना। तो कई जगह फिर भी आप डिफरेंट बुक में देखोगे फिर आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल में क्या था, निम्मी पैटर्न ने आपको 1:√2 दे रखा है, और जो ड्राइंग बनती है आपकी वर्टिकल पे उसमें ऊर्ध्वाधर बनती है, तो उसमें विड्थ आपकी ज्यादा हो जाएगी, √2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 1:√2 याद रखिए, 1:√2। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस दिन भी मैंने आपको यही चीजें बताई थी। तो यही क्वेश्चन आपका इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, देखो आपकी स्क्रीन पे साफ आ रहा होगा, एक ड्राइंग शीट के दो समीपर्ष पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या है, तो 1:√2 आ जाएगा इसका आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका 1:√2 आ जाएगा। तो ड्राइंग इक्विपमेंट और प्रोजेक्शन दोनों के क्वेश्चन मिक्स है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप।
समांतर रेखाओं का आरेखन किसके मदद से किया जाता है, पैरेलल लाइन किसके मदद से खींची जा सकती है फ्रेंड्स, आपकी टी स्क्वायर की मदद से भी खींची जा सकती है, मिनी ड्राफ्टर की मदद से की मदद से भी खींचा जा सकता है, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी खींचा जा सकता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ डी जिसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ डी जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, ऑल ऑफ डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्केल 1:1। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब आप बताइए कोई हम लोगों ने जो ड्रॉइंग इक्विपमेंट पढ़ा या फिर रामवीर सर ने कुछ पढ़ाया इसमें कुछ बाहर जा रहा है वही यार, ड्रॉइंग का आप जो इतनी हार्ड समझ रहे हो कुछ भी नहीं आएंगे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। 1:1 से फ्रेंड्स कौन सा बनाया जाता है, बड़ी माप की, फ्रेंड्स आपको तो पता बड़ी माप को तो किस में बनाया जाता है, रिड्यूसिंग स्केल में, क्योंकि जो बड़ी बड़ी है ड्राइंग आपकी, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग्स वगैरह उनको हम लोग छोटी करके बताएंगे ना ड्राइंग में, ऐसे थोड़ी ड्राइंग में पूरी बिल्डिंग बना दिए, छोटी माप की वस्तु जैसे रिस्ट वॉच के जो आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो चिप्स रहती है कंप्यूटर की उसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, छोटी उसको हम लोग इनलार्जिंग में बनाएंगे। तो 1:1 फुल स्केल में कितने बनेंगे, जो मीडियम साइज की रहती है ना उसको हम लोग बना सकते हैं 1:1 में, यानी मध्यम माप की वस्तु। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप किस ड्राइंग बोर्ड पे, आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम कर रहे हैं बताइए, मैंने आपको ड्राइंग इक्विपमेंट पढ़ाया था उस टाइम बताया था जो स्टूडेंट्स के लिए काम में आता है कौन सा आता है बताइए है ना। और अब आपको है ना जैसे हो सकता है आपको जो रेलवे पूछता है ना ये D0 नहीं कभी आप B0 B1 B2 B3 ऐसे पूछ लेता है ये है ना, काम बोलो कि ये क्या आता है, ये आपका D4 तो होता है D3 है ना, तो ऐसे पूछ लेता तो बिल्कुल परेशान मत होना, वो सेम चीज है। तो D0 की डायमेंशन आप जानते हैं फ्रेंड्स 1500 × 25, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 1000 × 700 × 25, इसकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी 700 × 500 × 15, और इसकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी 500 × 350 × 15। अगर मैं इनसे पूछूं नाम क्या है आपके D2 वाले ड्राइंग बोर्ड का नाम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड D2 वाले ड्राइंग बोर्ड का नाम क्या है, तो नाम क्या होगा बताइए, नाम क्या होगा, नाम D2 वाले ड्राइंग बोर्ड का नाम क्या होगा, D2 वाले का, ये B2 वाला बोल लो D2 वाला बोल लो, इसका नाम क्या होगा, मुझे इसका नाम बताइए बताइए, तो नाम भी लिख लीजिए इधर ही बताइए नाम क्या होगा D2 का, देखते हैं कितने दोस्त, वैसे बूस्टर में मैंने करवाया था लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी मैं आपको सारे करवाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या होता है आपका, D0 का नाम क्या होता है, D2 का क्या होता है, D1 का क्या होता है, बाई चांस पूछ ले तो याद रख लिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीक्वेरियन। क्लियर, D1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट है ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको क्लियर कर देता हूं लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं D2 वाले का, तो स्पेशल आपका होता है इंपीरियल, और ये आपका फ्रेंड्स D3 होता है आपका हाफ इंपीरियल। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस राइट वाले क्वेश्चन को देखिए आराम से देखो फिर समझ लेना इसके बारे में, फिर मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा। समान त्रिकोण के सिद्धांत पर निम्न पैमाने का नाम बताइए बताइए। तो फ्रेंड्स आप इसको पहले समझ लीजिए, हो सकता है आपने पहले पढ़ नहीं रखा हो। देखिए इधर देखो आपका क्या होता है, देखो फ्रेंड्स आपका क्या होता है, दो टाइप के स्केल रहता है, एक होता है आपका प्लेन स्केल, एक प्लेन जिसे हम लोग लाइन वगैरह खींचते हैं वो आपकी प्लेन स्केल होती है, एक होती है फ्रेंड्स आपकी डायगोनल स्केल, को बोलते हैं समतल स्केल, एक होता है डायगोनल यानी आपके विकर्ण पैमाना। प्लेन स्केल में फ्रेंड्स क्या होती है आपकी दो यूनिट रहती है, जैसे हम लोग स्केल खींचते हैं उसमें किस किस में आता है आपका एमएम में आता है, आपका सेंटीमीटर में आता है, दो चीज में। डायगोनल में क्या रहता है, तीन स्केल रहता है, या तो आपका एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर आप आ सकता है यार्ड, फीट, इंच। तो फ्रेंड्स जो आपकी डायगोनल स्केल रहती है किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे बनाई जाती है, बस इतना से याद रखिए, सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे, समान त्रिकोण के या फिर आप बोल सकते हो समरूप त्रिकोण के आपके सिद्धांत पे बनाया जाता है, सिमिलर ट्रायंगल के उस पे बनाया जाता है। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच कर्व का यूज क्या है, मैंने आपको बताया था फ्रेंच कर्व का यूज क्या होता है, इररेगुलर कर्व जो रहता है अनियमित कर्व के लिए बनाया जाता है, अनियमित कर्व, इररेगुलर कर्व, तो किसी भी तरह का वक्र हो फ्रेंड्स इररेगुलर कर्व हो आपका, इररेगुलर, अनियमित, किसी भी तरह का। क्लियर, तो फ्रेंड्स किसी भी तरह का वक्र।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है? ब्लूप्रिंट क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम लोग कभी स्कूल में हम लोग करते थे तो कार्बन पेपर लगाते ना, सिमिलरली हम ड्राइंग की कॉपी के लिए ब्लूप्रिंट कहते हैं उसको। तो ये किस पे बनाया जाता है आपका बताइए? अमोनिया पेपर पे बनाया जाता है, अमोनिया पेपर, अमोनिया पेपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंसिल की नोक के मुख्य संघटक कौन से? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पेंसिल टिप, जल्दी से बता दीजिए। ग्रेफाइट एम के लिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, ग्रेफाइट एम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये तो आपको पता है, एंगल मापने में किया जाता है, लेकिन डिग्री में नापता है, रेडियन में नापता है? मैंने आपको बताया भी था डिग्री में नापते हैं, ध्यान रखिए डिग्री में नापते हैं। डिग्री में रेलवे ने भी इसका आंसर डिग्री दे रखा है, डिग्री में कौन नापता है? क्लियर, डिग्री में कौन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो कौन सा दृश्य एक बिंदुवत होगा? अब सामने देखिए, इधर देखिए सामने आगे आपका प्रोजेक्शन उसका। अब क्या बोल रहा है देखिए फ्रेंड्स, आपका ये क्या, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये आपका फ्रेंड्स क्या, एक वर्टिकल प्लेन है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है, ये वर्टिकल प्लेन है। यदि कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके लंबवत क्या मैं बोल सकता हूं, इसके परपेंडिकुलरली लाइन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्रंट व्यू, इसका सम्मुख दृश्य क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा? इधर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, है ना, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यदि आप टॉप से देखोगे, टॉप से फ्रेंड्स एक डॉट ही तो बनेगा, एक बिंदु तो बनेगा। तो यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? उसका फ्रेंड्स टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू, शीर्ष दृश्य आप बोल सकते हो, टॉप व्यू, क्लियर। तो उसका ए सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछता फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगर मैं आपसे पूछता फ्रेंड्स, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है फ्रेंड्स, एक रेखा है, ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन के फ्रेंड्स क्या है, एक पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन के फ्रेंड्स क्या है, एक पैरेलल है ना। जैसे मान लीजिए आपका वर्टिकल प्लेन है, ये लाइन मान लो, ये आपको वर्टिकल प्लेन है, ये मार्क करना, ये लाइन समझ लो, ऐसे लाइन है, ठीक है। और ये लाइन मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए ये लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ये जो लाइन है फ्रेंड्स कितने की, 10 सेंटीमीटर की है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए, जो आप फ्रंट से देखोगे, सम्मुख दृश्य से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो जो लाइन की, जो आपकी लाइन की जो साइज आएगी वो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी, 10 सेंटीमीटर से कम आएगी, बताइए? 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी, 10 मीटर से कम। तो फ्रेंड्स जब इसका आप क्या देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे, तो बताइए क्या आएगा फ्रंट व्यू में, क्या आएगा बताइए? बताइए तो देखो फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूं, लाइन ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है लाइन, ये ऐसे है लाइन, क्या है ऐसे है, तो उसको गलत तरीके से मत समझना, लाइन क्या है ऐसे है, ऐसे मान लो लाइन ऐसे है, है ना। इसको जब फ्रंट व्यू से देखोगे तो लाइन कैसे रहेगी, 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर। अरे देखो फ्रेंड्स यहां से देखो, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये लाइन ऐसे रख रखी है, जब आप इसको ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, ऐसे है ही ऐसे है, है ना। तो उसको ऐसे देखोगे 10 सेंटीमीटर से होगी, तो गलत तरीके से मत करो, बस इमेजिनेशन का काम है, पूरा कितने की होगी, केवल और केवल 10 सेंटीमीटर की। ये देखो आपके ये जो लाइन है, ऐसे मान लो ये आपके सामने दिख रहा होगा, अब आप यहां से टॉर्च डालोगे, यहां से टॉर्च डालोगे तो कुछ छोटी हो रही है, 10 सेंटीमीटर से रहेगी, क्लियर। तो बस वो इमेजिनेशन का काम है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन की, इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रंट शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, अब देखो आराम से दिख रहा होगा आपको। अ लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइंड एट एंगल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट विल बी द फ्रंट व्यू? एक रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर है तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुका हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुका। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो इसमें यहां पर देखिए, सामने देखिए एक बार, बोलना क्या चाह रहा है ये आपका फ्रेंड्स, क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, है ना, बोलना क्या तरह, ध्यान से समझिए, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, वर्टिकल प्लेन है, है ना। ये क्या बोल रहा है, एक लाइन वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल है ना, जैसे मान लीजिए आपका वर्टिकल प्लेन हो गया,
अगर मैं बोलूं ये वर्टिकल लाइन के पैरेलल के बिल्कुल है, ये है क्या पैरेलल है, ये है क्या पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, पैरेलल 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 कुछ भी कर लो, ऐसे करते क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, लंबवत हो गई, क्लियर। ये लाइन भी पैरेलल है, ये भी, 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 ये भी सारी पैरेलल लाइन है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है, अगर मैं बात करूं ये लाइन कैसी है आपकी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तल के पैरेलल है, ये भी 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 पैरेलल है, ये भी, 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 ठीक है, ये सारी लाइन पैरेलल है, पैरेलल है। अगर इसके ऐसे कर दे तो फ्रेंड से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, बताइए, क्लियर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए सामने देखिए, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा था, आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था मैं, अब देखो इधर देखो, ये आपका फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन है ना, ध्यान से समझिए एक बार, क्लियर। मैं ऐसे बोलना चाह रहा था फ्रेंड्स, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, अब तो आपको दिख रहा होगा ये आपका कागज है क्या, वर्टिकल प्लेन है। तो जैसे मान लीजिए मार्कर एक लाइन है, तो ये लाइन इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, अगर ऐसे हो जाए तो ये भी पैरेलल है, अगर ऐसे हो जाए तो पैरेलल है, पैरेलल है, समानांतर है, सारी समानांतर है, पैरेलल है, पैरेलल, 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 अगर ऐसे हो जाए तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सेम चीज आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर हम लोग बात करें, तो ये लाइन क्या है, इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल, 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 समांतर है, सारी सारी ऊपर चल जाए, समानांतर, इसके समानांतर, समांतर, समांतर, क्लियर। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो इस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था, पढ़ के बता रहा हूं, अ लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के तो समानांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो फ्रेंड्स एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं फ्रेंड्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे झुकी हुई और वर्टिकल प्लेन के समांतर है, समझ आ रहा हूं, समझ आ रहा है आपका, बताइए, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ये जो लाइन है वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है, ये लाइन कुछ ऐसी हो गई, ये लाइन कुछ ऐसी है, वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है ही और हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ी सी झुकी हुई है ना, तो ये आप ये एंगल कितना मान लो, कुछ भी मान लो, 10 डिग्री मान लो, फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री मान लो, क्लियर, अब आपको दिख रहा होगा साफ है ना। तो क्या बोल रहा है, रेखा वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुका हुआ है, तो सम्मुख दृश्य क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, बताइए फ्रंट व्यू क्या होगा फ्रेंड्स, मुझे बताइए फ्रंट व्यू क्या होगा, ये इसके है फ्रंट व्यू क्या होगा फ्रेंड्स, एक लाइन ही तो होगी, फ्रंट व्यू एक लाइन ही तो होगी, अरे फ्रंट व्यू डी एक लाइन ही तो होगी, बताइए एक रेखा ही तो होगी, कौन सा होगा ऑप्शन बताइए, एक लाइन ही तो होगी, एक बिंदु कहां से होगा, अरे ये आपके ऐसा है, ये यहां से देखोगे लाइन ही तो होगी डियर, बताइए लाइन ही तो होगी, समझ गए, लाइन होगी, पॉइंट नहीं होगा, लाइन ही होगी, ठीक है, चले अपन उसी पे अपने, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन इज शोन इन द फ्रंट व्यू व्हेन द लाइन एज, मतलब किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देती है जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी, बताइए यानी वर्टिकल प्लेन के कैसे होगी, बताइए सम्मुख दृश्य में यानी फ्रंट व्यू में। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, समझ गए, आपको क्या बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए एक किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में कोई रेखा है उसका फ्रंट व्यू में उसकी वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब ऊर्ध्वाधर तल के, फ्रेंड्स अगर ये कोई लाइन ये आपकी क्या है फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है या नहीं है, बताइए ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है नहीं है, जब इसको फ्रंट से आप देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो ये आपको वही लाइन तो दिखेगी फ्रंट व्यू में सम्मुख दृश्य में, वो सेम साइज दिखेगी, अरे बताइए दोस्त कुछ ज्यादा थोड़ी दिखेगी, कम थोड़ी दिखेगी, बताइए क्लियर, हाँ पैरेलल होगा तो, समानांतर होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक सम षटभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? सम षटभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है बताइए? तो कितनी होती है प्रिज्म आप जानते हैं फ्रेंड्स? है ना, तो फ्रेंड्स एक तो ये रहती है सामने, देखिए आपका प्रिज्म देखो, तो छह तो ये पलक हो गई, ये वाली फेस हो गई, एक दो तीन चार पांच छह, छह तो इसके चारों ओर हो गई, एक ऊपर हो गई सात और एक नीचे हो गई, आठ हो जाती है सरफेस। क्लियर, आठ इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी आपको जो डायग्राम बनवाया था मैंने कोन वाला, उसी से आपको बताना है, बताइए। बताइए तो फ्रेंड्स आपका क्या होता है राइट सॉलिड क्या होता है? यदि देखो किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये आपका फ्रेंड्स क्या था, ये आपका कोन था, इसका बेस ही होता है और इसका एक्सिस क्या होता है आधार पर, बेस पे फ्रेंड्स क्या होता है लंब होता है। तो राइट सॉलिड कौन सा हो गया फ्रेंड्स आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिज्म, प्रिज्म का भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसा प्रिज्म था आपका, है ना, तो इसका बेस ही हो गया और इसका जो अक्ष है इस पर लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो प्रिज्म हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, क्लियर, कोन हो गया। और आपका फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट सॉलिड क्या रहता है? ये इसके इंक्लिनेशन में रहता है, परपेंडिकुलर नहीं होता, बेस के इंक्लिनेशन में ना कोई तल पे रहता है, इंक्लिनेशन पर होता है, क्लियर, किसी इंक्लिनेशन पर होता है, किसी तल पर झुके रहता है ना, किसी एंगल पर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होता है? सामने देखिए इधर भुजा वाले, तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2n माइनस 4 इंटी 90 अपॉन n, ठीक है, इंटरनल एंगल का, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है, तो n आपको दे रखा है 12, तो 12 टू जा 24, 24 माइनस 4 20, 20 इंटू 90 अपॉन 12, n की वैल्यू 12, 12 दोनों 24, 24 में 4 गया 20, 20 इंटू 90 अपॉन 12, तो फ्रेंड्स ये 4 से गया 3 बार में, ये 4 से गया 5 बार में, तो फ्रेंड्स ये गया 30 बार में, तो 30 इंटू 5 आपका आंसर हो जाएगा 150, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा 150, क्लियर, अरे 150 हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, n ना, तो अगर आपसे पूछता है टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो n से डिवाइड नहीं करते हैं, n से डिवाइड नहीं करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, है ना, ये एक इंटरनल, जैसे मान लो 12 साइड है आपकी, 1 2 3 4 5 6, मतलब बड़ा बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे मतलब ऐसे समझ जाओ आप, है ना, 12, तो फ्रेंड्स ये आपका एक इंटरनल एंगल पूछ रहा है, और इसका अगर सम पूछता है, इनका योग पूछता तो कितना हो जाता, इतना हो जाता, क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग, है ना, एक्सटीरियर जो एंगल रहता है उनका सम कितना होता है? 360 रहता है, तो है ना, ये तो 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ द लार्ज डायमीटर ऑफ द एलिप्स, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एलिप्स हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, ये आपका फ्रेंड्स क्या हो गया मेजर एक्सिस हो गया, ये आपका माइनर एक्सिस हो गया, ये आपका मेजर एक्सिस और ये आपका माइनर एक्सिस। अगर आपसे पूछे कि मेजर एक्सिस के राइट एंगल पे समकोण पर यदि एक लाइन खींची जाए तो लाइन क्या हो जाती है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? अगर आपका जो मेजर एक्सिस है इसके राइट एंगल पे यानी समकोण पर इसके 90 डिग्री पर जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, क्लियर। तो दीर्घवृत्त के बड़े व्यास का नाम क्या है? इसका जो बड़े व्यास का नाम क्या है? इसका मेजर एक्सिस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आराम से देखिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी इसमें, आराम से देखो ये क्वेश्चन। चलिए देखिए,
फ्रेंड्स आपको दिया होता है ए और ए डैश, है ना, आपको एक ए दिया होगा एक ए डैश दिया होगा, मतलब बता सकता है कोई ए का मतलब क्या है एक ए डैश का मतलब क्या है? ये आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, मतलब एक्चुअली में ये क्या है फ्रेंड्स, बता रहा है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही साइड है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही साइड है। आपको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइड होता है, एक ऊपर बनता है तो एक नीचे, है ना। तो ये क्या चक्कर पड़ रहा है ये हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, लिख के बताना ऐसे कि ए इसका मतलब है, ए का मतलब ये है, ए डैश का मतलब ये है ना, एक ए डैश है इसमें से। देखो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है ना। फोर्थ एंगल में फ्रेंड्स आपने कुछ भी एक लिया, ऑब्जेक्ट लिया फोर्थ एंगल में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ये आपने एक बिंदु लिया है ना, ये फोर्थ एंगल में होगा या तो आपका सेकंड में होगा फोर्थ में होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो डिफरेंट बनता है, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। आप जब इसको फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, ये आपको मिल गया, ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू। इसको टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू आपको यहां मिल गया, बताइए। अब आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको जब आप घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब घुमाएंगे तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू एक साइड ही नहीं आ गए क्या? अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो वर्टिकल प्लेन तो ऐसा कैसा रहेगा, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाओगे तो टॉप व्यू यानी आपका शीर्ष दृश्य और फ्रंट व्यू यानी सम्मुख दृश्य एक साइड नहीं हो गया क्या, बताइए। तो कौन से वाले में हो गया ये, कौन से वाले में हो गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे किसान का हल किस प्रकार का उत्तर लग गया, तो देख लीजिए आराम से किस टाइप का लीवर है, ये आपका दिख रहा है, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है इधर, तो किसान का हल किस प्रकार का उत्तोलक है। तो फ्रेंड देखिए आपने ऐसा देखा होगा, अब देखिए ये जो आपका ऊपर से आप जो ये घूमता है फ्रेंड्स यहां से घूमता है, तो फलक्रम इसका यहां पर होता है ना, और ये पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है, जो मशीन इसको मशीन यही तो करती है, यही तो पीछे करती है, ये आपका एफर्ट हो गया। और फ्रेंड जो चीजें जो चीज हमको उठानी होती है ये तो अपना लोड हो गया, तो बीच में क्या रहा है एफर्ट आ रहा है, एफ एल ये आप जानते होंगे, जब बीच में एफर्ट आता है तो कौन सा होता है थर्ड क्लास का रहता है, बीच में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है ना, कल मैं अब आपको सुन लो, हम लोग करने कल मैं आपको प्रीवियस ईयर के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बाद में सैटरडे संडे तीन तीन घंटे बिल्कुल कम से कम 200-250 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन, चाहे आपका प्रोजेक्शन का हो, ड्राइंग बोर्ड का हो, चाहे आपका हीट एंड टेम्परेचर का हो, किसी का भी हो, और एनवायरमेंट के लिए सैटरडे और संडे को आपको दो दो घंटे क्लास लग जाएगी राजेंद्र सर, पूरे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी करवा देंगे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के कर लेते हैं हम लोग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ही नहीं होंगे, उसमें कुछ और मिक्स भी होंगे तो परेशान मत होना, जैसे प्रोजेक्शन के साथ आज इसके भी थे, है ना, तो पूरे करवा दिया है फ्रेंड्स। अब देखो लास्ट के टाइम में इतना वो नहीं रहता कि पूरा मैं आपको प्रोजेक्शन जो डिटेल में पढ़ाऊँ, रामवीर सर पूरा पढ़ा चुके हैं, फिर बेसिक साइंस कौन पढ़ाएगा आपको, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो तीन तीन घंटे क्लास ले लूंगा सैटरडे संडे। तो आज के लिए इतना काफी है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, इस क्लास की पीडीएफ आप वाइफ स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।